हेलो नमस्कार दोस्तों, शिल्पी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में बिहार की एक बहुत फेमस रेसिपी जिसे दाल की दुल्हन या कुछ जगहों पे दाल का दूल्हा या दाल की पिट्ठी बोली जाती है की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बिहार का वन पॉट मील भी बोला जाता है। इसे आप चोखे या चटनी या ऐसे ही खा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधी कप अरहर की दाल और 1/4 कप मसूर की दाल को 1 घंटा भिगो लिया था। और अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 कप पानी डाल के इसे मैं गैस पे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, जब तक कि दाल अच्छे से पकना जाए। जब तक हमारी दाल पक रही है, हम अपने टेम्पर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 16 से 17 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 मध्यम आकार के प्याज, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा। जब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक हम दूसरे गैस पे अपनी टेम्पर की या छौंके की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हैवी बर्तन में 3 से 4 चम्मच घी लिया है और अब इसमें मैं जीरा डाल दूंगी और सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। इसके बाद हींग डालेंगे और उसके बाद क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि हल्का भूरा ना हो जाए। अब इसमें हम बारीक कटा प्याज डाल लेंगे और इसे भी हमें जब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का भूरा ना हो जाए। और अब इसमें हम पकी हुई दाल डाल देंगे और अब इसमें हम पानी डाल के इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। यहाँ मैंने 1/2-1.5 कप आटा लिया है, इसे हम अच्छे से सान के एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे इस तरह का। और अब इसकी हमें बिल्कुल ही पतली चपाती बेलनी है या रोटी बेलनी है। याद रखिएगा, इतना पतला रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दाल में ये जाने के बाद में बहुत सॉफ्ट बनेगा। अगर मोटा रहेगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, इतना पतला होना चाहिए। और अब इसका मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ, इस तरह से किसी गिलास से या किसी कटोरी से या कुकी कटर से इस तरह की आप पूरी बेल लीजिए छोटी छोटी। और अब इसके मैं हाथ में आटा लगा के हल्का सा, और अब इस तरह से हमें इसका शेप देना है। इस तरह से हम चारों कोने पकड़ के इसको बीच में ला के प्रेस कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। इसे बिहार में पिट्ठी भी बोला जाता है कई जगह पर। इस तरह से हम बाकी भी पिट्ठियां बना लेंगे। और अब इसे हम दाल में एक एक करके डाल देंगे। और अब इसे हमें बिल्कुल ही कम आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि सारी पिट्ठियाँ या दुल्हन दाल दुल्हन जो है वो अच्छे से कुक ना हो जाए। और इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और ऊपर नीचे करते रहना है ताकि सारी पिट्ठियाँ अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, हमारी पिट्ठी पक गई है। अब इस पर हम घी और कश्मीरी मिर्च का तड़का लगा देंगे, इससे लाल कलर बहुत अच्छा खिल के आता है। ये हमारी दाल की दुल्हन रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।